इसको करने से पहले हीट को समझो कि हीट कितना देना है, क्या देना है ना। तो देखो हीट भी देखना और एयर भी देखना। खोलने के टाइम पे हम ज्यादा हीट दे सकते हैं, मतलब ज्यादा एयर दे सकते हैं, लेकिन लगाने के टाइम पे नहीं दे सकते हैं ताकि आईसी ना हिले। ठीक, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो तूफान भी आ जाएगा तो आप बैठा लोगे, ऐसे तूफान जैसा हवा रहेगा तो भी फिर बैठा लोगे, प्रैक्टिस आ जाएगा। ठीक, आदि खा रहा हूँ Samsung का कौन क्या है इसमें? CPU के ऊपर क्या रहता है? तो MMC क्यों बोल रहे? देखो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से यूज करना है, पहले तो हमें एक लेयर पकड़ना है और इस तरीके से यूज करना है ना। देखो कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले को कटिंग कर लेना है, वो कुछ भी हो सबसे पहले कटिंग कर। इस पर बोलना अगर ना दिखे ना कोई भी यूज कर सकते है। तीन पे यार 300 का रखूंगा, कितना इसलिए कटिंग करने के लिए। ज्यादा ग्लू नहीं है, थ्री 380 तीन या चार पे क्या रखना है? और ये जो रैम है, रैम की बीच में कोई बॉल साइड साइड में है। ठीक, साइड साइड में। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब चाहो तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऑडियो आईसी में क्या करेंगे हम, ये पहला लेयर। जैसे ही पहला लेयर निकलेगा हमें देखना है यहाँ पे ग्लू फ्लू है या नहीं, और इसी टाइम पे हमें क्या कर लेना होगा, जैसे देख लो ये पूरा ग्लू भरा हुआ है। अब अगर देखोगे थोड़ा ध्यान से, अब हम इसको रिसोल्व कर लेते हैं। Thank you.
पीछे नाइट आ रहा है पीछे तो भाई अब नहीं जाएगा और इसको प्रेशर देके नहीं घिसना है और ये जो रफ है और ये रफ रहने देना है, मतलब ये जो होल है ना और ये होल रहेगा ही तो आपका बॉल बनेगा तो ही काम होगा, होल मिटा दोगे घिस घिस के तो कोई काम नहीं होगा। अब इसको दूसरा खोलेंगे, इसमें बहुत सारे इंच रहता है।
अब कहीं टेस्ट लग रहा है क्या? नीचे कैपेसिटर, कैपेसिटर थोड़ा सा भी टेस्ट हो जाएगा तो आई सी ठीक से ठीक है। दूध जोड़ लेगा ना और हमारा मेन काम आईसी को क्लीन करना।
आईडी कार्ड कहाँ है? अभी तक आईडी कार्ड फाइल में नहीं था तो बोलो ना क्या हुआ? भूल गया मुझे सर, थोड़ा नीचे यहाँ पे तो अच्छे टूर मिले हो तुम लोग, बहुत अच्छे से यही कहता पड़ा हूँ अपने रूम पे भी शॉप पे टूर का फल बहुत खराब हो गया हाँ पता ना मीटिंग में क्या है के ऊपर तो पहले तो मिल चुका है ना? हाँ सर तीसरे आज वीडियो बनाया क्या था शाम को? शाम को क्या होगा? अच्छा इसको शुरू में प्रॉब्लम फेस की थी, मतलब बताया था क्या प्रॉब्लम था वीडियो उठा करके उसका ले लेंगे और तो भी डाल देंगे सही डाल दें थोड़ा सा ऊपर रखिए सर भूल जाता है ना तुम जी सर सब लोग गलती करते हैं कहाँ डुअल सिटी में, यहाँ तक तो सब लोग कर लेते हैं ठीक क्लीनिंग क्लीनिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों मैच नहीं करवा पाते ये दोनों ठीक। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्लीनिंग है पूरी तरीके से, यहाँ पे क्लीनिंग है क्या यहाँ पे नहीं है, देखो रंगा लग रहा है ना, मतलब रंगा नहीं मतलब पेस्ट लग रहा है ना, देख लो यहाँ पे तो ये पूरा चीज क्लीन होना चाहिए पूरी। अब देखो मैं थोड़ा इसको हीट करूँ, जैसे हीट करूंगा ना ये पेस्ट बाहर निकलेगा, इसको पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, फिर जाके आप यहाँ पे पीपीटी भरें। वो ऑन नहीं है, नहीं कर रहा है, सही सर, सही सर, सही सर, बोले, थोड़ी सी टीशू को इस तरफ, ठीक? मुझे तो अभी भी डस्ट लग रही है, जब तक डस्ट रहेगा ना तब तक क्लीन, तब तक आपकी बॉल नहीं बनेगी, नीचे की बॉल से सटेगा ही नहीं।
थोड़ा क्लियर दिख रही है कुछ डस्ट दिख रही है क्या? नहीं थोड़ा बहुत है वो चलेगा, फिर भी इसको क्लीन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डस्ट रहेगा तो हमारा बॉल नहीं कर सकता। अब सबसे पहले इस तरफ की बॉल बनाना है। किस तरफ की? इस तरफ की। रैम तो ये हो गया हमारा, ये हुआ रैम और ये हुआ सीपीयू। ठीक, तो यहाँ पे तीन जगह बॉल बनाना है, एक तो इसमें मतलब रैम में सीपीयू के ऊपर और नीचे। ठीक, जब तक आप क्लीन सही से नहीं करोगे तब तक आपकी बॉल नहीं बनेगी। अब यहाँ पे पीपीटी पेस्ट भरना है। बना बना हुआ है? बना हुआ है किसके लिए? एटी थ्री। और इसको पूरी तरीके से क्या करना है? क्लीन। लोग यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं, क्या करते हैं कि मतलब ये जो नीचे की पेस्ट रहता है और ये रहता है वो साफ सही से नहीं करते हैं, तो क्या होता है ज्वाइंट हो जाता है, मतलब बॉल ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे तो बॉल नहीं लग पाती है ना, वो बॉल ऊपर आ जाती है और दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाती है। और यहाँ पे हीट देना है यार बिल्कुल जीरो, यार बिल्कुल जीरो, 300 पे हीट रखो, ज्यादा नहीं।
बन गया बोल कोई भी इधर उधर जुड़ा क्या नहीं जुड़ा एकदम परफेक्ट परफेक्ट। देख अब बारी आती है दूसरी तरफ यही पे ध्यान देना लोग मेंट कर देते हैं नीचे का बनाते हैं ऊपर मेंट हो जाता है ऊपर बनाते हैं तो नीचे का मेंट हो जाता है और इसका हालांकि प्रॉपर स्टेंसिल आ गया है प्रॉपर स्टेंसिल मैं आपको यूनिवर्सल से करवा के दिखा रहा हूँ ठीक और यहाँ पे भी आपको हल्का हिट से करना है क्योंकि नीचे क्या है बॉल है ना 300 सूखा पीपीटी के वजह से सूखा यूज करने से ऐसा होता है यूज करना है कि सूखा पीपीटी में लगाएंगे ना तो ऐसा ही होगा सूखा यूज ही करना है हमें तो थोड़ा सा पेस्ट डाल के भी हम कर सकते हैं
सूखा भी विधि ज़्यादा यूज करता है, इसलिए एक दो बॉल दो बॉल तो नहीं लगाया, दिख रहा है किसी को? और स्टेंसिल भी थोड़ा साइड हो गया। ब्लेड तो ना, ब्लेड चार नंबर के जो उसी वाला ब्लेड किसके पास है? क्योंकि रिबॉलिंग परफेक्ट होगा तो आईसी परफेक्ट सही बैठेगा, रिबॉलिंग सही नहीं बैठेगा तो आईसी सही नहीं बैठेगी। मुझे पता था बीच में उठ जाए। देखो यहाँ पे कुछ बॉल पूरा परफेक्ट डेटा हुआ है, कुछ बॉल नीचे खाली है, नीचे जो नीचे है ना वो छोटा बना हुआ। दोबारा हल्का सा हम पीपीटी भर लेंगे। दो बोल ऊपर ठीक है, नीचे का वॉल
हटाना पड़ेगा वहाँ पे नोज कट पॉइंट था और हम क्या किए यूनिवर्सल से किए ना तो इसलिए यहाँ पे यार दो या ढाई पे हीट रहेगा 360 कितने ऐसे लगाने के टाइम पे ये डबल सीपीयू वाला ठीक पहला वाला लग गया दूसरा वाला लगाने के टाइम पे जैसे सब लोग गलती करते हैं क्या करते हैं कि सर यहाँ पे बीच में पेस्ट डाल देते हैं क्या करते हैं बीच में पेस्ट डाल देने से क्या होगा पेस्ट भाप बनाएगा और भाप जैसे ही बनेगा ना डबल लेयर है तो भाप उठने के ऊपर उठने की कोशिश करेगा ठीक है ना तो आपके आईसी ऐसे टेढ़ा बैठ जाएगा तो बीच में पेस्ट नहीं बनाएगा अब कैसे पेस्ट डालना है देखो ये जैसे ही हमारा जहां जहां बॉल लगेगा ना वही वही पे हल्का सा पेस्ट लगाना आपको ज्यादा पेस्ट भी नहीं डालना है ठीक बीच में कभी भी पेस्ट नहीं ड्यूअल सीपीयू अब यहाँ पे थोड़ा सा कट देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा कट है जी ना और इसी तरीके से आईसी में भी कट है ना तो उसी तरीके से आईसी लगेगा एआर कम कर दो
देख रहे हो कैसे टच किया मैंने, एकदम हल्का सा। और हाथ जब भी ऐसे लगाओ ना, हाथ एक हाथ ऐसे बैठे रहेगा, आप ऊपर करके करते हो तो बैलेंस नहीं बनता है। एक हाथ यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे रहेगा, दिखा रहा हूँ मैं, देख रहे हो है ना जी। उसको थोड़ा सा साफ कर लो, एलसीडी देना जी सर, लोके एलसीडी टाइप सी केबल। तो देखते हैं चालू होता है कि नहीं। इसका सीपीयू निकल दो, हाँ पूरा क्लैपिंग हो जाए बस। ये 50 के लिए। ओए कोई तो प्रो है, चालू हो गया ये, देखते हैं अब ये 50 चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले मत करो, सब लोग बोल रहे थे ना, ये देखो ये 50। इसमें ना यहाँ रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक, सिर्फ यहाँ पे और इसके ऊपर। हाँ, और जिसमें होल रहेगा उसमें उसको भी करना और इसको भी करना। इतना पतला है, खराब तो नहीं हो गया होगा? नहीं नहीं नहीं, पतला इसलिए है, सारे आईसी ऐसे ही पतला होती है। और हम क्या होता है, इसके ऊपर जैसे देखोगे ना कोई भी आईसी को, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो लेने कम्प्लीट करो। ओके। किन किन के पास में आज अभी ए जिन जाओ एक्टिवेटेड है उनके लैपटॉप में, ये देखिए, ये होती है बैच, ये होता है। आप सब लोगों के पास में जिन जाओ एक्टिवेटेड है, क्योंकि आप वो सीखने आए हार्ड वर्कर्स है सारे टीचर्स, और सर बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, और प्रॉपर हाइजीनिक सिस्टम से सब टेम्परेचर चेक करके सैनिटाइज करके अंदर छोड़ा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाता है हॉस्टल में भी यहाँ भी। और सर जिस बच्चे को थोड़ा वीक है, जो बच्चा सर, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है सर, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात। सर 12 घंटे यहाँ काम करवाया जाता है, और उसके बाद भी होमवर्क 4 से 5 घंटे का दिया जाता है जो हॉस्टल में जाकर करवाते हैं सर। अक्सर मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ ग्रुप में ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे सोते होंगे सर रात को। अच्छा जी सर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम आपका चैनल, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, और मेरे साथ में 28 सितंबर का बैच, और मेरे साथ में हमारी एसर टेलीकॉम की टीम फिरोज सर और दुर्गेश सर। फिरोज सर हाई कर दीजिए जरा। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
गुड।